हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मंजू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खेल रसोई इन हिंदी। आज मैं आपके लिए लेकर आई है एप्पल पचड़ी या एप्पल का रायता बोल सकते। इतना सिंपल है, बनाने में इतना इजी है और इतना टेस्टी भी है। चलिए चलते हैं वीडियो में। मैंने इधर दो छोटा साइज का एप्पल रखा है, साथ में एक हरी मिर्ची। एप्पल का छिलका निकाल के इसको छोटा काटना है और हरी मिर्ची आपका टेस्ट का अनुसार एक या दो ले सकते हैं। और साथ में आधा कटोरी नारियल है और थोड़ा सा जीरा है और एक प्याज छोटा काट के डाला है और इसको अच्छे से पीसना है। तब तक एप्पल का छिलका निकाल देंगे। एप्पल को काटना है बहुत छोटा छोटा पतला सा और इसको एक बर्तन में डाल दिया। साथ में देना है थोड़ा सा नमक। नमक देके थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं चाहिए, दो चम्मच के हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए। एप्पल कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए सिम में रख के इसको कुक करना है। बिल्कुल लो फ्लेम में रखना है, ये 2-3 मिनट में एक कुक हो जाएगा। एप्पल कुक होगा, इसको ढक कर रखना है और 2 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसी टाइम हमारा जो नारियल का पेस्ट रेडी है, उसके साथ में लास्ट में एक चम्मच मस्टर्ड सीड्स या काला राई डालना है और इसको एक राउंड घुमाना है, बस ज़्यादा पेस्ट नहीं होना। एप्पल को कोने के बाद जो पेस्ट रेडी है वो इसमें डालना है, थोड़ा सा मिक्स करना है। स्टाव का फ्लेम ऑफ कर दीजिए, अभी फ्लेम का ज़रूरत नहीं है। फिर अच्छे से मिक्स कर लेना, फिर इसके बाद इसको ठंडा होने दीजिए। 2-3 मिनट में ठंडा हो जाएगा। इसके बाद हमें ऐड करना है दही। दही ज़्यादा खट्टा वाला नहीं चाहिए, मीडियम खट्टा है। ये ठंडा होने के बाद दही ऐड करना। इसके बाद थोड़ा सा तड़का देंगे। तड़के में हमें थोड़ा सा तेल में सरसों और लाल मिर्ची का तड़का रेडी कर दिया। अभी दही डाल के बस तड़का भी डालना है। रेडी हो गया हमारा एप्पल पचड़ी। इसी टाइम आपको नमक भी चेक कर सकते हैं, नमक कम है तो नमक डाल सकते हैं। अच्छा लग गया ना मेरा रेसिपी? अच्छा लग गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे केरला रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से हम मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।